हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भास्कर टेक। तो छात्रों, यहां पर एकेटीयू ने ऑट सेमेस्टर 2023 के फेज वन का जो रिजल्ट जारी किया है उसमें बहुत से छात्रों को समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। अब छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो आज इस वीडियो में आपको हर तरह की मैं समस्याएं बताऊंगा कि किस प्रकार की समस्याएं आ रही है रिजल्ट को लेकर, उनका सोल्यूशन कब तक हो जाएगा या फिर क्या है सोल्यूशन। यूएफएम के बारे में भी आपको बताऊंगा, जो रिपीटेड 2 या 3 सब्जेक्ट में सेम मार्क्स आ रहे हैं उसके बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगा। फर्जी का जो यूएफएम लगाया जा रहा है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। किस ईयर का रिजल्ट कब आएगा उसकी एक टेंटेटिव डेट भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और ये सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो में अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छात्रों, सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को एकेटीयू ने यहाँ पर ऑट सेमेस्टर फेज वन का रिजल्ट जारी किया था। इसके बाद रिजल्ट प्रॉपर सही तरह से अपलोड नहीं किया गया था क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका रिजल्ट का इनकम्प्लीट शो हो रहा था, यानी कि उनके 1, 2, 3 सब्जेक्ट में ट्रिपल हैज एक्सटर्नल मार्क्स या ट्रिपल हैज शो हो रहा था। तो उनके मार्क्स कब तक अपडेट होंगे क्योंकि अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, तब से लेकर लगभग 20 दिन तो हो ही गए। अब चलिए छात्रों, अब इसके बाद 16 अप्रैल के बाद एकेटीयू वन व्यू की जो साइट थी वो बंद कर दी गई, ओपन नहीं हो रही थी। जब हमने कांटेक्ट किया तो पता चला कि सर्वर अपडेट हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सर्वर अपडेट हो रहे हैं और यही सभी समस्याओं की जड़ है। इस पर हम आगे अभी बात करेंगे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 1 मई तक कोई भी रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ। एकेटीयू ने जरूरी भी नहीं समझा कि वो ट्वीट करके छात्रों को बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक आप लोग के रिजल्ट आएंगे। इसके बाद 2 मई को एकेटीयू बीटेक के थर्ड ईयर यानी कि 5th सेमेस्टर का रिजल्ट जारी करता है। इसके बाद भी बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। अब मैं आपको नंबर वाइज समस्याएं बता रहा हूं कि छात्रों को समस्याएं क्या आ रही हैं जो छात्रों ने मुझसे बताया है। पहली समस्या आ रही है कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनकी यूएफएम लगाई गई है। बहुत से छात्रों की तो जेन्युइन यूएफएम लगाई गई है, या तो वो चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं या तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख कर आए थे किसी न किसी कॉपी में, तो उनकी यूएफएम लगाई गई है। इस पर मैं अभी बात करूंगा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आता है। लेकिन बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी कॉपी में अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी लेकिन उनकी यूएफएम लगाई गई है। ऐसे 1, 2, 3 छात्र नहीं, हजारों में छात्र हैं। और मेरे कॉन्टेक्ट में लगभग 30 से 40 छात्र हैं जिसमें अकेले 15 छात्र हैं लखनऊ के RR कॉलेज। तो छात्रों, अब देखिए मैं आपको बताता हूं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या आता है। पहला, वो छात्र होते हैं कैटेगरी में यूएफएम लगी होती है जो छात्र चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, उनकी ऑन द स्पॉट यहां पर यूएफएम लगा दी जाती है, बी कॉपी दी जाती है, फॉर्म फिल कराया जाता है यानी कि साइन कराए जाते हैं। तो उनको अगर अपनी यूएफएम के रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए या उनको पता नहीं है कि किस सब्जेक्ट में उनका यूएफएम लगा है नहीं लगा है, पूरी डिटेल आपको A to Z कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। इसे इंस्टाग्राम में कॉन्टेक्ट कर लें, आपको इंस्टाग्राम की ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि जिन छात्रों ने पर्सनल डिटेल लिख कर आए थे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पर्सनल डिटेल में क्या क्या आता है। आपका नाम ये पर्सनल डिटेल में आता है। अगर आप अपना नाम लिखते हैं तो यूएफएम लगेगी। आप अपना रोल नंबर लिखते हैं यूएफएम लगेगी। आप अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं यूएफएम लगेगी। आप अपना कॉलेज का नाम लिखते हैं यूएफएम लगेगी। और अगर यदि आप कोई पर्सनल मैसेज लिखते हैं प्लीज पास कर दीजिए ऐसा कुछ लिखते हैं तो भी आपकी यूएफएम लगेगी, आप अंडर यूएफएम में हैं। अब रिजल्ट में क्या लिख कर आएगा, योर रिजल्ट बिडहेल्ड अंडर यूएफएम। तो छात्रों, ऐसे छात्र क्या करें, ऐसे छात्र भी मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम कॉल करें या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करें, पूरी आपको हेल्प मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इससे बच सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आप तीसरे तरह के स्टूडेंट की बात करते हैं जो पूरी सेफ्टी के साथ बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी नहीं है और उनकी यूएफएम लगा दी गई है। तो ये सर्वर वगैरह देखिए अपडेट हो रहा है, जो मैंने कॉन्टेक्ट करके पता किया था, अपडेट प्लस अपग्रेड किया जा रहा है। अपडेट और अपग्रेड में अंतर होता है, वो एक अलग वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। उसकी वजह से ये सारी समस्याएं हो रही हैं। आई होप कि जल्द ये सॉल्व हो जाएगी। इस पर काम भी चल रहा है क्योंकि 2 मई के बाद फिर से एक बार एकेटीयू वन व्यू आप ओपन नहीं कर सकते हैं, वो साइट एक बार फिर से बंद कर दी गई है। उस पर कुछ काम चल रहा है मे बी। तो चलिए अब छात्रों, आप लोग को क्या करना है, यूएफएम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आपको तुरंत मुझसे इंस्टाग्राम के माध्यम से कनेक्ट कर लीजिए। सारी प्रॉब्लम आपकी मेरे एंड से जितनी जो हेल्प हो पाएगी मैं आपकी करूंगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरी समस्या नंबर 2। बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनके रिपीटेड मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि बहुत से छात्रों ने मुझे मैसेज कर दिखाया अपना स्क्रीनशॉट जिनके 2 या 3 सब्जेक्ट में सेम मार्क्स आ रहे हैं और वो अपने कॉलेज के टॉपर हैं, यानी कि एक छात्र ने दिखाया उसके 3 सब्जेक्ट में 25 25 25 मार्क्स हैं।
यानी कि आउट ऑफ 100 में यानी कि बैक लगी हुई है। अच्छा, ऐसा कोई केस नहीं आया जिनके सेम मार्क्स हो लेकिन पास हो तीन सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में। तो ये एक डेटाबेस में प्रॉब्लम लग रही है, जो मैंने जहां तक पता किया है कि जो सर्वर वगैरह अपडेट किए जा रहे हैं उसमें कुछ छात्रों के जो मार्क्स हैं वहां से हट गए हैं, तो वे टेम्परेरी मार्क्स अपडेट किए जा रहे हैं। ये पूरी सेफ्टी नहीं है लेकिन एक अपडेट आई है तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा कोई डाउट लगता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में कॉन्टेक्ट कर लें, मैं आपको उसका सोल्यूशन इसका भी बता दूंगा कि आगे आपको क्या करना है। साथ ही मैं कल एक ट्वीट करूंगा, उस ट्वीट का एक वीडियो बनाऊंगा, आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करना है। तो देखिए, ये दो प्रकार की समस्याएं हो गई। अब देखिए तीसरी समस्या क्या है। तीसरी समस्या ये है कि जो स्टूडेंट का इनकम्प्लीट स्टेटस शो हो रहा है वह तुरंत अपने कॉलेज के जो HOD हैं उनसे कॉन्टैक्ट करें, तुरंत उनसे कॉन्टैक्ट करें। उनके माध्यम से आप एक एप्लीकेशन AKTU को भेज सकते हैं, उस पर काम चल ही रहा है लेकिन उसमें कभी कभी टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आई होप कि AKTU से रिलेटेड जितनी भी इस समय समस्याएं चल रही हैं उस पर मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। फिर भी अगर कोई ऐसी समस्या है जो छूट गई हो, मैं कवर नहीं कर पाया हूं और स्टूडेंट फेस कर रहे हों, तो मुझसे तुरंत इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोग कनेक्ट कर लें, तुरंत पूछें, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। और बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो कि आपको तुरंत 10 से 15 मिनट के अंदर बात करनी है तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं जिसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा और डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल का रिप्लाई नहीं मिलता है तुरंत एक मैसेज डाल सकते हैं, इतने की मेंबरशिप आपने लिया है, कॉल पिक हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर एक स्टूडेंट के मन में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट आए हैं जो बोल रहे हैं कि उन्होंने बैक पेपर में नंबर लिखा था लेकिन उनका रेगुलर का रिजल्ट रोक दिया गया है। देखिए, आपने कोई भी कॉपी में अगर अपना नंबर, कोई पर्सनल डिटेल लिखी है तो आगे आने वाले सारे रिजल्ट आपके रोक दिए जाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, कल एक बहुत ही शानदार वीडियो आने वाला है, मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।